आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह विंडोज 10 लैपटॉप में टास्क मैनेजर के जरिए किस तरह पावर ऑप्शंस ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना पड़ेगा टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर आपको टाइप करना है, फिर आपको दिखाई देगा टास्क मैनेजर और फिर आपको इसे ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं टास्क मैनेजर ओपन हो गया है। फिर आपको फाइल्स पर क्लिक करना है। मैं फाइल पर क्लिक करता हूं। फाइल पर क्लिक करना है आपको और रन न्यू टास्क इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहां पर आपको टाइप करना है powercfg.cpl powercfg.cpl, ये आपको टाइप करना है इसमें और ओके का बटन दबा देना है। आप देख सकते हैं पावर ऑप्शंस ओपन हो गया है।